हुई है और नेक्स्ट की अपोजिशन है अगली। देखिए देखिए जो केंद्र ने प्रस्ताव भेजा था वो हमने रद्द कर दिया है। उसकी वजह ये है कि सरकार बोलती है कि 1.5 लाख करोड़ से अधिक हम लगा के प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो ये बहुत सी स्टडीज आई हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना दिया जाए, ये तो 5 फसलों के ऊपर है, वो सभी फसलों के ऊपर इतना पैसा लगाने से सभी देश का भला हो जाएगा। तो जिसमें देश का भला होगा वो कार्य कीजिए। अब वो बोल रहे हैं भी जो धान और गेहूं से बाहर निकलेंगे उनके साथ 5 साल का कनेक्ट करेंगे, तो ये सालों वाली गिनती थोड़ी ना चलेगी। जो पहले से ये 5 फसलें बो रहे हैं वो अपने आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो जो केंद्र ने प्रस्ताव भेजा वो अनुचित है, इसलिए हमने उनको रद्द कर दिया है और हम लीगल गारंटी कानून बनाने की मांग पर खड़े हैं। कितनी फसलें आप कहते हैं एमएसपी पे लगाएंगे जो आप कह रहे हैं 23 फसलों पर लगाएंगे? हम 23 फसलें तो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार ये दे रहे हैं हमें, हमने क्या उसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दें। सर आपका अमला पड़ा हुआ है, कितनी तारीख को करेंगे आप हैं? आगे देखिए, अगर केंद्र ने बोला है कि हमने अन्य मांगों के ऊपर ठीक है किसानों को बताना है, अगर वो नहीं बताएंगे तो हम पीसफुली ढंग से आगे बढ़ेंगे। सर आगे कोई खून खराबा होता है, कोई वायलेंस होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए ना हम खून खराबा वाले हैं ना वायलेंस वाले हैं, पीसफुली रहेंगे। पुलिस तो करेगी ना। आप देखिए जिन्होंने 10 दिन पहले हमारे आंदोलन से बैरिकेडिंग की हुई है, जिन्होंने अर्धसैनिक फोर्स लगाए हुए हैं, जो हमारे ऊपर शेलिंग कर रहे हैं, वो जिम्मेवार होंगे इसके लिए। सरकार दोनों भाइयों को लड़ा रही है, आप पहले कहते हैं कि पंजाब बिल्कुल उधर जवान है इधर किसान है, जवान भी हमारा किसान भी हम है, तो दोनों को लड़ाने का कार्य केंद्र कर रही है। मुझे लगता है जवान भी संभलेंगे, हम तो संभल ही रहे हैं। हाँ देखिए, जहां तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था, तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है, हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है, अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना, किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं, अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है, तो हम बोल रहे हैं भाई अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना, अब कौन कर रहा है? तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्ध सैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं, और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता पूरे, मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को, हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती, और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है, तीसरा हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी।
और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री की जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी, अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर दो दो राउंड डिस्कस हो चुकी है, और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा।